खूबसूरत वादियाँ, वाह जी वाह क्या नज़ारा है पाजी। और ये हिमालय दर्शन के लिए इधर जाना पड़ेगा, हमारा सोच है इधर ही जाएं। और काफी अच्छा व्यू देखिए। अरे तेज कर मुझे, यहाँ पे कौन देखेगा? मैं बोला देखे, क्या कह रहा था, बहुत पानी है देखा। क्या कर रहे हैं भाई? देखिए Hi guys, how are you? Fine. Where are you going? I'm going to Himalaya Darshan. The Himalaya Darshan is very long distance for you. Yeah. Approximately 2 kilometers. No. But we can find it on the ropes and 40, the galleries. 40 kilometers. Hey, you pagal kahan pe tu? This way. On this way or this? This way. Okay. We can go this way. My target is this. Oh. Yeah. Right. यार हम गलत घर में घुस रहे थे, मुझे भी ऐसा फील आ रहा है। या 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 राइट या नो नो दिस वे नो या या दैट्स अ गुड प्लेस गोइंग या दिस वे 80 इयर्स ओल्ड वुमन इज रनिंग आउट हिज क्लाइम द माउंटेन या But my strength is very strong. We are very tired, but my situation is just like a donkey. Yeah. We cannot go to the afford. What the fuck? No. Yeah. We can afford. Afford what? There's not enough cars. We cannot afford. We are not afford for lodge. Be positive. You can do it. Yeah, and you can also do it. Yeah. Then, uchai chading and fast. You can see. Oh, oh my God! This is a very good place for living. Yeah, this way. This way, resort. This way, pahar. Yeah, this way is choti. Yeah. Dadi, amma's pushing. कसम कह रहा हूँ बाप जन्म में तुमने ऐसा कभी सीन नहीं देखा होगा यार। इसको कह रहा बॉम्बे वाली, वो जो भी वीडियो देखेगा गजब है। और यहाँ भी भाई साहब कम से कम पता नहीं कितना फुट नीचे है, बहन जो मौत को भी डर लग जाएगा यहाँ से मरने में। और ये रास्ते देखिए आप कितने खूंखार है। हम तकरीबन 2000 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। दो हजार मीटर हाँ 2000 मीटर 2000 मीटर तो हम वहीं थे। और 1800 हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। अब हम कौन सी जगह जा रहे हैं भाई? हम जा कौन सी जगह रहे हैं? यार गोइंग एट टिफिन टॉप। टिफिन टॉप, अच्छा राजा जी कुछ बताएंगे टिफिन टॉप के बारे में क्या है? ये देखिए बाइक्स कैसे चलती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं दिल्ली का नंबर है। कुछ है इसमें कुछ था नहीं, तुम नहीं लाया। जैसे कि आप देख रहे हो बारिश हो रही है, कुछ देर बाद यहाँ पे धूप भी निकल जाता है और हवा भी चलने लग जाती है और पहाड़ों से आग लग गई पहाड़ में। आप देख रहे आग लग गई हो, लेकिन आग नहीं लगी हुई है, वो बादल है। ठीक 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 है ओके ओके डन। वो बंदर जो हिमालय पर्वत कहते हैं अच्छा।
यार ये भी और ये भी दोनों बड़ा ओए ओए चल मत मार भाई अच्छा उधर देखिए ना छोटे छोटे सब नजारे दिख रहे हैं अभी ना दिल्ली में 44°C बस ऐसे नॉर्मल जैसे यहाँ के लोग अच्छे हैं यार यहाँ के मतलब लोग अच्छे हैं यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं फिर यहाँ पे विदेश के हैं फॉरेन अच्छा वो कसबा है वो कसबा है वो पानी का साथ है पानी का ठंडा आता है ना अच्छा अबे यही जो वादियों की जो आते पानी निकलते हैं अच्छा अच्छा चलो अपन को नीचे जाना है यहाँ से उतरो नीचे क्या करना चाहता है ऐसा लगाना चाहते हैं ऐसा लगाना चाहते हैं नीचे उतरने का हाँ आगे से कह रहे हैं ये तो चलो हिल क्लाइंबिंग कर रहे हैं मेरे दोस्त और सबसे अच्छे दोस्त आराम से सुन अपना वेट ना सब आगे की तरफ रखना आगे की तरफ जितना उसे चिपका के आगे की तरफ हाँ आराम आराम से तभी ऊपर जा सकते हो वो ना फिसलने का सारा वेट आगे सीधा मत खड़ा ही हो कोई भी ना सीधा मत खड़ा हो ना एकदम जितना हो सके ना तिरछा हाँ फिसल ओ हाँ ग्रिपिंग ये मत सोचो पत्थर है तो नहीं टूटेगा वो टूट सकता है चलो 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 और मैं कोशिश करता हूँ कैमरा साथ लेके ऊपर चढ़ने की लेकिन डर बहुत लग रहा है मुझे और हमारी तो ले मैं सबकी ले रहा हूँ यार लेकिन हे गाइस कैसे हो आप लोग बढ़िया कौन है ये जगह पे आ रहेगा हर लोगों को अच्छा लगेगा ये है उत्तराखंड का नैनीताल शहर जो काफी सुंदर है वैसे तो उत्तराखंड में सारे शहर सुंदर है लेकिन ये कुछ खास स्पेशल है जंगलों में बैठे हुए उत्तराखंड को यहाँ पता नहीं हम कहाँ पर है हमें खुद नहीं पता कहाँ पर यहाँ पर नेटवर्क पूरा स्लो है नेटवर्क की एक डंडी भी नहीं आ रही ऐसा जगह है सबसे ऊपर चढ़े हुए हम 3 घंटे लगे थे इस पर चढ़ाई करने के लिए और टाइगर्स भी कुछ इसी तरह का इस्तेमाल करते हैं मंकीज को देखा हुआ अपने थंब पे चलते हैं वैसे तो इसी प्रकार से चलना है क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको मौत दे सकती है देखिए हमारे गोलू जी आपको सिखाएंगे एकदम सावधानी पूर्वक उतरिएगा और जहां तक हो एक चीज पे बल ना दे दूसरे चीज पकड़ के फिर कर ले और हादसों का शहर माना जाता है नैनीताल को काफी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है काफी घनत्व जनसंख्या के लिए ये क्षेत्र अपने आप में ही एक करिश्मा है कई मौतें हो चुकी है इसमें इस वीराने में जनावर भी काफी जनावर हैं घूमने वाले
देखिए कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा राजा जी को छोटी हाइट की वजह से। चलते रहिए ना, मेरे को ले आप ये देख सकते पहाड़ों में से धुआं निकल रहा है। दिल्ली में दिसंबर के महीने में धुआं निकलता है ऐसे, इस महीने में धुंध कहा जा सकता है। हम तो अपने यारी वाले लैंग्वेज में धुंध समझा रहे ना, आप खुद ही आप समझदार हो गए, हम हंसी के लिए कर रहे हैं। वाओ, कुछ देर पहले ये बिल्कुल क्लीन दिख रहा था, बिल्कुल साफ। जानवर आ जाएंगे साले, रेंचर हम तो भूल ही गए। वो ऐसे मत करो, सीआरपीआर रहते होंगे। डॉक्टर चुप शूटर। Hey you! Come on. Hazo, हमारे पीछे आइए। Hey, take a camera. Hut. Cameraman. गधे के निशान, यानी कि गधा गया। Oh my gosh. Shotgun. हम कम से कम बहुत ज्यादा ऊंचाई पे हैं, लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई है और यहाँ से आपको पूरे नैनीताल का सीन दिखाई देता है। एक एक चीज जो कि नैनी नदी के नाम से फेमस है, यहाँ से सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। और पहाड़ों का सीन देखिए किस प्रकार आनंद में है, आंखों को लिए कति मान मनोरंजन। वो देखिए आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है वो नैना मंदिर है, सबसे ऊपर वहाँ पे आप कल सुबह हम चढ़ाई करेंगे। जो गाना शूट हुआ था नैनो की ये बात नैना जाने है। हमने लगभग ये जो सफर है ये 2 घंटे के जर्निंग पैदल, ये देख रहे हम अपने पैरों पे आए हैं, चल के नॉन स्टॉप चल के आए तब जाके ये मुकाम हासिल हुआ है। तो और आप इस बीच में हमारे बीच में मौसम भी काफी ज्यादा खराब हो चुका था, तो क्योंकि बारिश है। देखिए मौसम बहुत जल्दी चेंज होते हैं, आमतौर पे कभी बरसात होती है क्योंकि बादल जो है ना वो धूप को जो है ना सूरज को रख लेते हैं अपने उसमें, और जो धूप की गर्मी से वो बादल फट जाते हैं उससे पानी की बरसात हो जाती है। तो मिनट मिनट पे बारिश कभी धूप को आपको ऐसा महसूस होता है। और आपको इस मौसम के अनुसार एक एक रंग और इस समय मेरे फोन में लगभग ये 14 डिग्री सेल्सियस अभी दिखा रहा है, 14 डिग्री सेल्सियस लेकिन अभी इसलिए हमें ठंड ज्यादा नहीं लग रही क्योंकि हम ज्यादा मेहनत करके आए हैं और इसीलिए गर्मी महसूस हो रही है। और जैसे जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर स्लो कम ठंडा होता है तो वैसे ही वैसे हमें ज्यादा से ज्यादा ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगा, और इसलिए हम पूरा प्रोटेक्शन के साथ आए हैं इस जगह। इसलिए हम छोटी छोटी पैक मतलब की फ्रूट बियर, ये चिनार पाइन बियर, ये हमें 20 रुपए पे प्राइस लिखा हुआ है और ये हमें 60 रुपए का दिया गया है। पैंतीस वाला के कोल्ड ड्रिंक, ये आपने देखा ये 35 रुपए स्प्राइट को कोई पूछता नहीं है दिल्ली में, ये अभी 60 रुपए का हमें दिया गया। 60 रुपए में हम पता नहीं क्या से पूरे फैमिली को पिला सकते हैं। ओके, ये देख सकते आप, ये देखिए सबसे ऊंची पहाड़ी तो नहीं है नैनीताल की, अपना जोड़ ले एक बैक कैमरा से ले यार।